स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज का वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो कॉपीराइट क्लेम के बारे में आपको क्लीन सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, क्यों आता है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है। हाँ, रिमूव किया जा सकता है। अगर आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। किस तरह से होता है, क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कॉपीराइट क्लेम को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, हमारी वीडियो को क्लीन कर सकते हैं ताकि हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो सके उस वीडियो पर और हमारी इनकम शुरू हो जाए। कॉपीराइट क्लेम अगर आपकी वीडियो के ऊपर आता है तो आपकी वीडियो के अंदर जो भी इनकम होगी, वो जो भी कॉपीराइट दिया है जिसने, उसके साथ आपका रेवेन्यू शेयर होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कॉपीराइट क्लेम को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक और बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है। तो कॉपीराइट क्लेम बहुत तरह के होते हैं। अगर आपने कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई म्यूज़िक यूज़ किया है तो आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आता है। तो वो सब डिटेल आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। आपको क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम के अंदर। अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है तो आपको उस वीडियो को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यह वीडियो है और यहाँ पर मुझे कॉपीराइट क्लेम का एक ऑप्शन दिख रहा है। उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सी डिटेल पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको सब कुछ पता चल सके कि कहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है, किस वजह से क्लेम आया है, उस सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर कॉपीराइट आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे वीडियो के अंदर कॉपीराइट आया है। कॉपीराइट क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ एक म्यूज़िक को यूज़ किया है और वो म्यूज़िक कौन सा है, वो ये वाला म्यूज़िक है। इस म्यूज़िक को हमने यूज़ किया है इसलिए हमारी इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कॉपीराइट क्लेम आने से आपकी चैनल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमारी वीडियो अनलिस्टेड है, कोई भी बात नहीं, हमने अनलिस्टेड किया है क्योंकि हम यहाँ पर देख सके कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें क्लीन दिखाई देता है कि एक ऑडियो की वजह से हमारे यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है म्यूज़िक के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो हम तीन तरह से हमारी इस वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। सबसे पहला ट्रिम आउट सेगमेंट, मतलब कि जहाँ पर भी आपका ऑडियो यूज़ हुआ है, मतलब कॉपीराइट ऑडियो है, उस चीज़ को यहाँ पर से हम कट कर सकते हैं ताकि वो जो भी ऑडियो होगा उतना वीडियो हमारा कट हो जाएगा और वहाँ से हमारा कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग। रिप्लेस सॉन्ग करने से हमारा जो भी फ्री ऑडियो होता है वो लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कि म्यूट सॉन्ग, मतलब कि जहाँ पर भी हमारा कॉपीराइट क्लेम आया है उतने टाइम में वो हमारा जो भी ऑडियो होगा उस ऑडियो को म्यूट कर देगा। तो इन तीन तरीके से हम हमारा ऑडियो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सी डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा कि क्या आपके साथ कॉपीराइट हुआ है, क्या किसने कॉपीराइट दिया है। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ट्रिम नहीं करेंगे, रिप्लेस सॉन्ग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिप्लेस सॉन्ग पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने म्यूज़िक लाइब्रेरी ओपन हो जाती है और यहाँ से कोई भी आप म्यूज़िक अगर ऐड करते हैं तो आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। मतलब कि जो भी आपको रेड कलर का कॉपीराइट दिखता है वहाँ पर आप यहाँ से कोई भी ऑडियो को ऐड कर सकते हैं और वो ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इतनी जगह पर आपका ये ऑडियो सेट हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपका ऑडियो चेंज हो जाएगा, ऑडियो ओपन हो जाएगा और हमारा कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। यहाँ पर हमें सेव कर देना है
प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। जैसे ही हम यहाँ पर सेव कर देते हैं तो हमारा इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए कि इस तरह से आप अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बता दिया है, तो आज के वीडियो में यही बताना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।